यमन के हुती ने लाल सागर में ऐसा कोहराम मचा कर रखा है जिसके आगे अमेरिका जैसी महाशक्ति भी पस्त हो चुकी है। लाल सागर, बाबल, मंडेप, अरब सागर और हिंद महासागर में हुती आए दिन मालवाहक जहाजों और अमेरिकी युद्ध पोतों पर हमले कर रहा है। हुती ने कई जहाजों को तो समुद्र में डुबा दिया है जबकि एक जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। हुती पर लगाम कसने के लिए 12 जनवरी 2024 को अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हुती के ठिकानों पर कई हमले किए। इसके बाद 3 फरवरी 2024 को यमन के भीतर हुती के सैन्य ठिकानों पर हमले हुए। इसके बाद 23 फरवरी 2024 को भी यमन के भीतर कई हवाई हमले हुए और इन हमलों के बाद एक बार फिर से 7 जून 2024 को भी अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर हुती के ठिकानों पर 6 एयर स्ट्राइक की। लेकिन इन हमलों का हुती पर तिल भी असर नहीं पड़ा बल्कि अब वो लाल सागर और उत्तरी इसराइल पर और भी ज़्यादा भीषण हमले कर रहा है। हुती ने अपने जवाबी हमलों में अभी तक 2 जहाज़ों को लाल सागर में डुबो दिया है जबकि एक जहाज अभी भी उसके कब्जे में है। इसके अलावा कई जहाजों को उसने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हुती पर एक बार फिर से लगाम कसने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन ने 17 जून 2024 को यमन के भीतर हुती के ठिकानों पर कम से कम 6 हवाई हमले किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के होडेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक हवाई हमला हुआ और कामरान आइसलैंड पर 4 अन्य हवाई हमले हुए जो तटवर्तीय शहर सालिफ ऑफ के करीब है। अमेरिका और ब्रिटेन के इन हमलों की जानकारी यमन के न्यूज़ चैनल अल मसीरा ने दी है। हालांकि ये पहली बार है जब अमेरिका और ब्रिटेन ने कामरान आइसलैंड पर हमला किया हो। दरअसल यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि पिछले हमलों में हुती ने कामरान आइसलैंड और पोर्ट सालिफ का इस्तेमाल लाल सागर में हमलों के लिए किया था। यहां तक कि हुती ने इन इलाकों में अपनी मिसाइलों और ड्रोन्स को नमक की खानों के भीतर छिपा कर रखा था। बड़ी बात यह है कि यमन का सालिफ इलाका कामरान द्वीप तक 10 किलोमीटर के समुद्री रास्ते तक फैला हुआ है और ये वही रास्ता है जिससे होकर जहाज़ों को अपने अगले बंदरगाह तक पहुँचना होता है। और इसकी अहमियत को ध्यान में रखते हुए ही अमेरिका और ब्रिटेन ने हमले के तौर पर इस इलाके को चुना है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वो ये है कि हाल ही में हुती ने लाइबेरिया झंडे वाले ट्यूटर और वर्बेना मालवाहक जहाज पर हमला किया था और जब यह हमला हुआ तो उस वक्त ट्यूटर जहाज के आसपास रूस, चीन और ईरान के नौसैनिक जहाज मौजूद थे और हमले के वक्त ट्यूटर जहाज ने इससे मदद मांगी थी लेकिन इनमें से किसी ने उसकी मदद नहीं की। ये जानकारी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी सबरीना सिंह ने दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जो जहाज प्रतिक्रिया दूरी पर थे उन्होंने एमवी ट्यूटर जहाज की मदद के लिए कुछ नहीं किया। उनमें ईरानी, रूसी और चीन के नौसैनिक जहाज शामिल थे। ट्यूटर लाल सागर में था और उसने धीरे धीरे पानी भर रहा था जबकि वो बचाव जहाज की मदद का इंतजार भी कर रहा था। आपको बता दें कि हुती ने रूस और चीन से वादा किया है कि वो उनके जहाज़ों पर हमले नहीं करेगा और जब ट्यूटर जहाज पर हमला हुआ तो उस वक्त रूस, चीन और ईरान के नौसैनिक जहाज वहां पर आसपास मौजूद थे लेकिन इन्होंने मदद नहीं की जबकि अमेरिकी युद्धपोत यूएस ड्वाइट डी एशेवर्क ने ट्यूटर जहाज को क्रू को सुरक्षित एयरलिफ्ट किया था। हालांकि जहाज का एक सेलर अभी भी लापता है। जब वर्बेना जहाज के क्रू को कैमैन झंडे वाले आना मेटा जहाज ने रेस्क्यू किया था। आपको बता दें कि दुनिया का 80% शिपिंग कारोबार स्वेज नहर और लाल सागर से होते हुए गुजरता है। हुती के मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से शिपिंग कंपनियों को ये रूट बदलना पड़ा और अब वो अपने जहाज़ों को अफ्रीकी रूट से भेज रही है जो लंबा और खर्चीला है। हुती खतरनाक हमलों से अपने इरादे साफ जाहिर कर चुका है और अब अमेरिका और ब्रिटेन ने हुती पर फिर से एयर स्ट्राइक की है। देखने वाली बात यह होगी कि हुती के हमले लाल सागर में कम होंगे या फिर अब और विध्वंस होंगे।